नमस्कार, आइए देखते हैं इस वीडियो में भारत की मिट्टियों के बारे में एवं भारत की कृषि के बारे में। तो इस वीडियो में हम दो विषयों के बारे में जानेंगे, भारत की मिट्टियां और भारत की कृषि। तो आपको बताते चलें कि भारत में जो एक संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, उसने जो है 1986 में भारत में कुल जो मिट्टियां हैं उनको 8 प्रमुख भागों में व 27 गौण भागों में बांटा है। तो 8 जो प्रमुख मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट, मरुस्थली, पर्वती, पीट एवं दलदली, लवणी एवं क्षारीय मृदा। ठीक है, तो इन 8 भागों में बांटा है। अब आपको बताते चले कि मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। तो मिट्टी के अध्ययन करने वाला जो भी विज्ञान होता है, साइंस होता है, उसे क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान। इसे कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने जो बांटा है उनको एक एक करके क्रमशः देख लेते हैं। पहली है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियम सॉयल। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा होती है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्र पर पाई जाती है और यह संपूर्ण उत्तरी मैदान, तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। तो आपको याद रखना कि जो भारत का उत्तरी मैदान है, जो कि विंध्य पहाड़ियों, मतलब कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है एवं जो हिमालयी भाग है, उसके बीच में जो भी मैदान पाया जा रहा है वो क्या है? अधिकांशता जो है जलोढ़ मैदानों से बना हुआ है। अब ये भी याद रखना है कि जो जलोढ़ मिट्टियां होती हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। तो बांगर का मतलब क्या होता है कि पुराने जो जलोढ़ मिट्टियां होती हैं उनको बांगर कहते हैं, जबकि जो नई जलोढ़ मिट्टियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अब जो है जलोढ़ मिट्टियां जो है उर्वरता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये जो मिट्टियां पाई जाती हैं किन किन नदी बेसिनों में ज्यादातर पाई जाती हैं? आप उनके नाम हमें लिख के भेजिएगा। ठीक है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने फीसदी भाग पे है तो वो आपको मैंने अब बता चुका हूं, तो उसको आपको नोट करके रखना है। अब आपको ये भी बताते चलें कि जो ये मिट्टियां होती हैं इनकी जो परिच्छेदिका होती है, प्रोफाइल होती है, उसमें उच्च भूमि में अपरिपक्व होती है, जबकि जो निम्न भूमियां होती हैं वहां पर इनकी जो परिच्छेदिका होती है वो क्या होती है? परिपक्व होती है। तो आपको एक चीज और बताते चले, एक और इम्पोर्टेंट बताते चले कि जो बांगर मैदान होता है, जो बांगर भूमि होती है, वहां कंकड़ और अशुद्ध कैल्शियम की जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुछ जो है मोटे मोटे टुकड़े पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कांकड़ या कंकड़ कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो आइए देख लेते हैं कि अगली मिट्टी के बारे में। तो अगली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला जो रंग होता है वो टिटिनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि रेगुर मिट्टी का उपनाम क्या है या काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है रेगुर मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, अतः इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। अन्य फसलों में जो है, यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें जो कपास के अलावा है वो है गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि। तो भारत में जो काली मिट्टी है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिलों में, और उसके बाद आंध्र प्रदेश के दक्षिणी जिलों में एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम जिले में, रामनाथपुरम जिले में, कोयम्बटूर में, तिरुनेल्वेली जिले में, इन सब में पाई जाती है। इसी तरह से राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिलों में भी क्या होता है? काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि भारत की मिट्टियों के बारे में जान के आपको काफी चीजें जानने को मिली होंगी। अब आपको याद रखना है कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी के बाद जो अगली मिट्टी आपको याद रखना है वो कौन सी मिट्टी है? वो मिट्टी है लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायंत्रित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। अब लाल मिट्टी का जो रंग होता है, जिस प्रकार से आपको मैंने बताया कि काली मिट्टी का रंग किस कारण काला होता है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। ठीक है, इसी तरह से लाल मिट्टी का जो रंग होता है लाल, वो लौह ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह जो है जब पानी होता है तो क्या पीले रंग की दिखाई पड़ती है।
यह जो है अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें एवं मोटे अनाजों की कृषि होती है। भारत में कृषि जो यह मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है उसको याद रखना है, तो आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पठार में, पश्चिमी बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों में, मेघालय की गारो खासी एवं जयंतिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। तो चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। तो आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है तो किसका उपयोग करेंगे, तो आप याद रखना है कौन सी मिट्टी, कौन सा चीज यूज करना है, वो है चूना। ठीक है, तो आपको बताते चले कि जो ये आपकी जो लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी में अम्लीयता बहुत ज्यादा होती है और ये जो मिट्टियां होती हैं अत्यधिक निचालित मिट्टियां होती हैं, मतलब लीच्ड होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, अलग वीडियो में पूरे डिटेल में बताएंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। और इस तरह की जो मिट्टियां होती हैं उसमें लौह, एलुमिना, चूने का अंश अधिक होता है और जीवाश्म में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं चूने की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगली मिट्टी के बारे में, वह है लैटेराइट मिट्टी। तो इसका जो निर्माण है वो मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुतता होती है। तो शैलों के टूट फूट से निर्मित होने वाली इस मिट्टी को जो है गहरी लाल लैटेराइट, सफेद लैटेराइट एवं भूमिगत जलवायवी लैटेराइट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो गहरी लाल लैटेराइट में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है और इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में खेती की जाती है। सफेद लैटेराइट जो की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका रंग सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लैटेराइट काफी उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यहाँ वर्षा काल में जो है जो लौह ऑक्साइड का जल के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। लैटेराइट मिट्टी पर मुख्यतः चाय, इलायची एवं काजू की खेती की जाती है। तो देश में जो मृदा अपरदन एवं उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु क्या किया गया है, 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है और मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जो है जोधपुर में एक संस्थान बनाया गया है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे जो है क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है काजरी के नाम से। तो आपको याद रखना है काजरी के नाम से। तो जो भारत की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया, पहला जो है जो कुछ भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उसके बारे में बताया। अब हम देख लेते हैं जो है ये केवल कुछ बस छोटी सी जानकारी है इसके बारे में मैंने बताया है। अब हम देख लेते हैं जो भारत की कृषि है उसके बारे में। तो इसके अलावा जो अभी मैंने आपको चार मिट्टियां बताई हैं उसके अलावा अब जो है पर्वतीय जो है मिट्टियां हुई होती हैं, मरुस्थलीय मिट्टियां भी होती हैं, पीट एवं दलदली मिट्टियां भी होती हैं। तो पर्वतीय जो मिट्टियां होती हैं इन्हें वनीय मृदा कहा जाता है और इनका जो विस्तार है वो जो है लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में पाया जाता है। ठीक है, और ये नवीन मिट्टियां होती हैं और अविकसित मृदाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो मुख्यतः अविकसित जो मृदाएं होती हैं वो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये जो पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती एवं आलूचा के जो फल उगाए जाते हैं इन्हीं मिट्टियों पे किए जाते हैं। और ये जो मिट्टियां होती हैं सामान्यतः अम्लीय स्वभाव की होती है। ठीक है, इसी तरह से जो मरुस्थलीय मिट्टियां होती हैं वो मुख्यतः भारत में राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो सिंचाई द्वारा इन एरियाओं में क्या है, ज्वार, बाजरा या मोटे अनाज सरसों के उगाए जाते हैं। ठीक है, अब पीट और दलदली मिट्टियां जो होती हैं वो भी एक प्रकार है मिट्टियों का। और जो दलदली मिट्टियां हैं वो तटीय उड़ीसा, सुंदरबन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों और तटीय जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत की कृषि के बारे में। तो भारत का जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है, 4% भूभाग पर चारावाह है, 21% भूभाग पर वन है, 24% भूभाग पर बंजर भूमि या बिना उपयोग की हुई भूमि है। तो भारत की जो कृषि है, कृषि क्या है, राज्य सूची का विषय है। तो भारत में 3 सूचियां कौन कौन सी हैं, एक है राज्य की सूची, दूसरी है केंद्र की सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तो जो कृषि व्यवस्था है वो क्या है, राज्य का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में
जो प्रविष्ट है वो 14 में किया गया। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता चले कि जो राष्ट्रीय कृषक आयोग है NFC, उसने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश प्रस्तुत किया और कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए, इसकी सिफारिश की। ठीक। अब भारत में जो है अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में कृषि एवं खाद्य मंत्री जो है किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जान लेते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की जो कृषियां हैं उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को एपिकल्चर, मत्स्य पालन को पिसीकल्चर, फूलों के उत्पादन को फ्लोरिकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर, केचुआ पालन को वर्मीकल्चर कहते हैं, उसी तरह से फलों के उत्पादन को पोमोकल्चर, सब्जियों के उत्पादन को ओलेरिकल्चर, उसी तरह से बागवानी को हार्टिकल्चर, पौधों को हवा में उगाने की जो एक तकनीक है उसे एरोपोनिक कहते हैं, जल में पौधों को उगाने को जो कि मृदा रहित जो जल में पौधे उगाए जाते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक। तो आपको याद रखना है, ठीक है, इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है क्योंकि कई बार जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है इसको आपको बताना होता है और विकल्प दिए होते हैं इनको आपको उत्तर देना होता है। ठीक है। तो अब जो है बात करते हैं कि जो भारत है, भारत की जो कुल श्रम शक्ति का लगभग 48.9% भाग कृषि एवं इससे संबंधित उद्योग धंधों से अपनी आजीविका चलाता है। 2019 और 20 के में जो है भारत की जो सकल मूल्य वर्धन में कृषि का जो योगदान था वो 14.65% था। समझ रहे हैं? तो 14.65% ये जो था सकल मूल्यवर्धन वो जो किस रेट पे था, 2011-12 के जो स्थिर कीमत है उनके आधार पे था। ठीक है। तो भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। तो आपको बताते चले कि जो विश्व में सबसे ज्यादा जो खपत होती है जिस खाद्य पदार्थ की वो है चावल। ठीक है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वही खाया जाता है और सबसे कम इसका निर्यात किया जाता है क्योंकि सभी अधिकांश देश को है अपनी आवश्यकता अनुसार इनका उत्पादन करते हैं। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पादन तो सबसे ज्यादा होता है लेकिन उसका निर्यात सबसे कम होता है। ठीक है। तो वो कौन सी फसल है, वो है चावल। तो चावल उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है, प्रथम उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। तो भारत में खाद्य फसलों की जो सबसे अधिक है वो चावल का उत्पादन होता है। IR20 भारत की सबसे अधिक पैदावार देने वाली चावल की किस्म है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है और भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है। हरित क्रांति का जो सबसे अधिक प्रभाव था वो गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। ठीक है। तो आपको बताते चले कि मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की जो है किस्में विकसित की गई। भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1967-68 में हुई थी। ठीक है। अब देख लेते हैं कि जो है भारत में जो विभिन्न कृषि क्रांतियां हुई हैं वो किन चीजों के उत्पादन से संबंधित है। जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति जो है बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से जुड़ी हुई है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। और खाकी क्रांति जो है वो जुड़ी हुई चमड़ा उत्पादन से। ठीक है। तो अब आपको पता चले कि पहली जो हरित क्रांति हुई थी वो कब हुई थी, 1967-68 में। तो प्रथम हरित क्रांति के बाद 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई जिसमें अधिक अनाज उत्पादन निवेश एवं कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार किया गया। आपको बताते चले कि जो भारत में श्वेत क्रांति है उसके जनक कहे जाते हैं डॉक्टर V. कुरियन। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए कि जो कृषि
क्रांति हुई उसके जनक कौन है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, बस याद करने के लिए आपको कह रहा हूं कि उसको याद करके लिखिएगा, ठीक है। अब आपको बताते चलें कि जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन है इसकी स्थापना 1986 में की गई। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का 94% भाग एवं फास्फेटी उर्वरक की जो खपत का 82% भाग जो है उत्पादित करता है। तो कौन कौन से हो गए, पहला हो गया जो है नाइट्रोजन और फास्फोट, क्या कहते हैं फास्फेट। लेकिन पोटास पे जो है क्या है, भारत पूरी तरह से निर्भर है, किस पे, आयात पे। मतलब कि पोटेशियम जो उर्वरक है उस पे भारत पूरी तरह से आयात करता है। भारत केला, चीकू, आम, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का जो विश्व में स्थान है वो दूसरा है, जबकि चीन पहले स्थान पे है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन उपभोक्ता क्या है, चीन है। उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रमुखता पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम जो चाय होती है दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध जो उलंग किस्म की चाय है वो ताइवान में पैदा की जाती है। तो पूछा जाता है कई बार कि उलंग किस्म की चाय किस देश में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ताइवान। सबसे उच्च कोटि का जो कहवा है वो अरेबिक कहवा होता है। कहवा की जो अन्य दो जो है किस्में हैं वो हैं रोबस्ता और लिबेरिका। तो कुल तीन प्रकार की कहवा की किस्में होगी, कौन कौन सी, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, ठीक है। तो जो मोचा कहवा है वो कहाँ उगाया जाता है, वो उगाया जाता है यमन में, ठीक है। तो अब आपको बताते चले कि जो मक्का में व्हाइट बर्ड एवं धान में खैरा रोग जस्ता जो है तत्व के कारण, कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% भाग जो है आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक जो है रंगीन मनमोहक पुष्पी पौधा है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में, सजावट के रूप में, खाद्य के रूप में, परंपरागत दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। भारत में इसकी जो खेती है उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में की जाती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में आर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। तो आर्किड स्टेट के रूप में कौन सा प्रदेश जाना जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम समझ सकें कि आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ग्वार तथा क्लस्टर बीन एक ल्यूगोमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक। अब भारत की कुल फसलों में राज्यों का जो क्रम है उसको जान लेते हैं। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पे व पंजाब तीसरे स्थान पे। इसी तरह से दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दूसरा और राजस्थान तीसरे स्थान पे। कुल तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे। कुल मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कर्नाटक। अब अलग अलग फसलों में राज्यों का क्या क्रम है उसको जान लेते हैं। तो आपको बताते चलें कि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब। इसी तरह से और देख लेते हैं, गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे, गुजरात तीसरे स्थान पे। मक्का उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे, कर्नाटक दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे। चना उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे, राजस्थान तीसरे। अरहर उत्पादन में महाराष्ट्र पहले, कर्नाटक दूसरे, मध्य प्रदेश तीसरे। मसूर उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, मध्य प्रदेश दूसरे, बिहार तीसरे। मूंगफली उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है, राजस्थान दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे। सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे है, हरियाणा दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे। सोयाबीन में उत्तर मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे और राजस्थान तीसरे उत्पादन में। इसी तरह से सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटका पहले स्थान पे है, उड़ीसा दूसरे, आंध्र प्रदेश तीसरे। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे है और तेलंगाना तीसरे है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है, बिहार दूसरे, असम तीसरे। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, पश्चिम बंगाल दूसरे, बिहार तीसरे।
प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, गुजरात दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पे। गन्ना उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे पे। कर्नाटक जो है सुपारी और काफी के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नासिक जो है अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है जम्मू कश्मीर से प्राप्त होती है। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है। आपको बताते चले सिक्किम सबसे स्वच्छ जो है राज्यों में है। अरहर जो है को लाल चना या पिनच पी के नाम से भी जाना जाता है, इसे तूर भी कहा जाता है। तो लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। ये पूछा जाता है कई बार कि भारत में जो सबसे लंबे रेशे वाली अमेरिकन जो कपास है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं नरमा। तो कपास पर फूल आने के समय जो आकाश है वो बादल रहित होना चाहिए, ये होता है अगर उसका अच्छा उत्पादन हो। ठीक है, तो विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्न भंडारण करते समय दानों में जो नमी है वो कितने से कम परसेंट कम होनी चाहिए, और 10% से कम होनी चाहिए, अन्यथा कीट के प्रकोप का भय रहता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट जो है एक आवश्यक तत्व है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सी रोचक जानकारियां आपको इस वीडियो में मिल रही होंगी। अब आपको बात कर लेते हैं कि ऋतुओं के आधार पर जो है फसलों का वर्गीकरण किया गया है। तो जो रबी की फसलें हैं यह अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। इनकी जो प्रमुख फसलों के जो उदाहरण हैं वो है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई और अलसी। ठीक है, ये रबी की प्रमुख फसलें हैं। अब जो है खरीफ की फसलें क्या होती हैं कि दक्षिणी पश्चिमी में मानसून जैसे आता है भारत में, उसके तत्काल बाद ये फसलें बोई जाती हैं, अर्थात यह जून और जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। इनकी जो प्रमुख फसलों के उदाहरण हैं वो कौन से हैं, धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन। इसी तरह से गर्मा फसल क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो आपको बताते चलें कि यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त तक काट ली जाती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो है राई, मक्का, ज्वार, जूट और मंडुआ। ठीक है, अब आपको बता चले कि आप जायद की फसल सुने होंगे, रबी और खरीफ के अलावा जायद की फसलें। तो जैसे ही रबी की फसलें कटती हैं तुरंत इनकी बुआई होती है और खरीफ की फसल उत्पन्न मतलब बोने के पहले इनको काट के अलग कर दिया जाता है। जैसे आपने जो है भिन्न प्रकार की जो सब्जियां होती हैं उसमें आती हैं, आपने सुना होगा मेंथा आयल, वो भी उसी की एक जायद फसल का ही भाग है, जिसे पेपरमिंट तेल निकलता है। ठीक है, तो ये उदाहरण उनके हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपको इस देखना है कि प्रमुख फसलों के जन्म स्थान कौन से हैं। जैसे धान जो है उसका जन्म हुआ वो भारत और इंडोनेशिया क्षेत्र में हुआ। इसी तरह से मक्का जो है मध्य अमेरिका की प्रमुख फसल है। इसी तरह से गेहूं जो है वो मध्य एशिया की है। तंबाकू दक्षिणी अमेरिका की, रबड़ दक्षिणी अमेरिका की ब्राजील की, उड़द जो है भारत मूल की है, मसूर चीन, अमरूद अमेरिका, टमाटर मैक्सिको, बाजरा जो है वो अफ्रीका का है, गन्ना भारत, आलू पेरू, कहवा जो है ब्राजील का, चाय चीन से, ज्वार भारत से, मूंग भारत से, सोयाबीन चीन से, अरहर अफ्रीका की जो मूल फसल है, और जौ जो है जिसका उत्पादन जो है शुरुआत हुआ वो चीन है। ठीक है, तो भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं और उनके मुख्यालय कहाँ, इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी जितने वनडे एग्जाम्स उसमें पूछा ही पूछा जाता है, वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं उनके रूप में पूछा जाता है, वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में बहुत से पूछा जाता है। जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है, कटक में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय आलू संस्थान अनुसंधान संस्थान शिमला में। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संस्थान जोरहट में। राष्ट्रीय काफी अनुसंधान संस्थान जो है केंद्र है वो चिकमंगलूर में है। इसी तरह से राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान संस्थान कोट्टायम में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान जो केंद्र है वो मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में। इसी तरह से जो है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड़ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बेंगलोर में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो है पुणे में। उसके अलावा केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। तो आपको बताते चले कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो है स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में
1905 में पूसा, जो कि वर्तमान बिहार में है, हुई थी। 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। यह जो है पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो स्थापना है वो 23 मई 1929 को की गई और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा आपने भारत की जो क्या कहते हैं मिट्टियां हैं उनके बारे में और भारत की जो कृषि प्रणालियां हैं उनके बारे में, कौन से प्रमुख उनसे जुड़े हुए शोध संस्थान हैं उनके बारे में आप जाना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको भूगोल विषय के रूप में बहुत से आपको वन लाइनर फैक्ट्स और उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लेकर के, चाहे वो UGC हो, UPTGT PGT हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो, नवोदय विद्यालय का हो, या UPPCS का हो, UPSC का हो, कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड सभी प्रकार के प्रश्न आगे जो वीडियोज में आपको सॉल्व कराए जाएंगे। और हमारे चैनल को बेल आइकन का दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि इन वीडियोज का अधिकतम लाभ उनको मिल सके। तो आइए हम कुछ 5 प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, जिससे आपको मुझे पता चल सके कि आपने ध्यान से वीडियो सुना है कि नहीं सुना। तो पहला प्रश्न क्या है कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ICAR ने भारत की जो मिट्टियां हैं उनको कुल कितने प्रमुख भागों में और गौण भागों में बांटा है, तो आप उत्तर लिखिएगा। इसी तरह से आपको बताते चलें कि जो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि मैंने आपको पहले ही पूछा था कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उनके आपको स्थान लिखने हैं कि उत्तरी भाग में है, दक्षिणी भाग में, तटीय भाग में, कहाँ पे है। ये आपको प्रश्न बताना है, इसका उत्तर बताना ही बताना है, ठीक है। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि जो है जो अर्बरी कल्चर है वो किससे जुड़ी हुई है, मतलब कि किस प्रकार की खेती से जुड़ी हुई। इसी तरह से पीसी कल्चर किससे जुड़ा हुआ, तो इन प्रश्नों के आप जवाब हमको दीजिएगा। तो देखते हैं कि कितने लोग जवाब देते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सिंचाई व्यवस्था के बारे में, भारत की सिंचाई व्यवस्था से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में। धन्यवाद।